देश में मैंडेटरी वोटिंग की बात तो हर कोई करता है, लेकिन पहल की है गुजरात ने। जी हाँ, फिलहाल हमारे साथ है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मैंडेटरी वोटिंग का एक अमेंडमेंट लेकर विधानसभा में पारित किया है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं कि क्या उद्देश्य है आपके इस इसके पीछे का, और खास तौर पर क्या विजन है आपका? उद्देश्य बहुत सीधा साधा है, भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना। उद्देश्य सीधा साधा है कि भारत के लोकतंत्र को मतदाता केंद्रीय बनाना, नागरिक केंद्रीय बनाना। दुर्भाग्य से आज देश की राजनीति में चुनाव हो या लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हो, वो राजनीतिक दल केंद्रित बनी है या व्यक्ति केंद्रित बनी है। आवश्यकता यह है कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हमारा लोकतंत्र, हमारी शासन व्यवस्था नागरिक केंद्रीय बननी चाहिए, मतदाता केंद्रीय बननी चाहिए। हमारे इस इनिशिएटिव के कारण नागरिक केंद्रीय व्यवस्थाएं खड़ी करने का एक सफल और आवश्यक प्रयोग होगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्या मानते हैं आप कि जो मौजूदा राजनीति है और जो राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से राजनीति करती है, उसमें इस कदम के बाद बदलाव आएगा? राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाने की मजबूरी आएगी। आज क्या होता है, मान लीजिए मैं 10 गांवों का जनप्रतिनिधि मुझे बनना है, तो मैं क्या करता हूं, जो 2 गांव मुझे अनुकूल है उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं, उन 2 गांव को ही संभाल लेता हूं और बाकी 8 की कभी परवाह नहीं करता। और 2 गांव के वोट इतने होते हैं कि मैं चुनाव जीत जाता हूं। और होता क्या है कि वो 8 गांव हमेशा हमेशा उपेक्षित रहते हैं। ये 100% मतदान, कंपलसरी मैंडेटरी मतदान के कारण 10 गांव की ओर देखना मजबूर बन जाएगा, सबकी तरफ देखने के लिए मजबूर बन जाएगा। हर भूभाग को सोचना पड़ेगा, अनपढ़ को भी देखना पड़ेगा, गरीब को भी देखना पड़ेगा। और इसलिए देश के राजनीतिक दलों को, जनप्रतिनिधियों को सबके प्रति जिम्मेवार बनना पड़ेगा। सिर्फ अपने समर्थकों के प्रति जिम्मेवार, ये जो राजनीति का ट्रेंड है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और सबके प्रति जिम्मेवार, ये चित्र खड़ा होगा। दूसरी एक अहम बात ये भी सामने आ रही है कि जो वोटिंग प्रक्रिया है वो आप क्या मानते हैं कि इट्स अ राइट और अ ड्यूटी? एक बार महात्मा गांधी जी को एक सवाल पूछा गया था कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार क्या है, तो महात्मा गांधी ने बड़ा उत्तम जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, व्यक्ति के मूलभूत अधिकार नहीं होते हैं, व्यक्ति के मूलभूत कर्तव्य होते हैं। और जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो अपने आप दूसरे के अधिकारों की रक्षा उसमें निहित होती है। सबके अधिकारों की रक्षा उसी में है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो लोकतंत्र की रक्षा भी उसी में है। और इसलिए ये विवाद का वो मुद्दा नहीं है। रियलिटी ये है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे लोगों को कहो भाई कतार में खड़ा रहना चाहिए, क्या ये नागरिक अधिकारों को छीनने का काम है क्या? आप बच्चों को स्कूल कंपलसरी करते हो, क्या बच्चों के बचपन के अधिकार को लूटने का कार्यक्रम है क्या? तो ये वैसी बातें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। दरअसल ये है कि अब तक तो हमारे लोकतंत्र में एक कमी महसूस होती है। कमी ये क्या है, इसको और ध्यान देने की जरूरत है। शुरू में शायद नहीं दिया होगा, अब जरूरत है। अभी मान लीजिए किसी चुनाव में 10 लोग खड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मतदाताओं के लिए इन 10 में से पसंद करना है। हम उसको पसंद करने के लिए मजबूर करते हैं, कंपेल करते हैं। और उसको अगर 10 पसंद नहीं है तो कोई स्कोप ही नहीं है। ये बिल ऐसा है कि उसको इन 10ों को नापसंद करने का अधिकार देता है, उसको अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए अधिकार देता है, अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए मौका देता है। इसलिए इसमें एक नेगेटिव वोट का बटन होगा, जिसको कहकर वो कहेगा कि जितने लोग खड़े हैं, न मुझे व्यक्ति पसंद है, न मुझे दल पसंद है, न मुझे इनकी नीतियां पसंद है, इसलिए मैं इन सबको रिजेक्ट करता हूं। मैं समझता हूं इसके कारण देश की राजनीतिक दलों पर दबाव आएगा,
कि भाई क्या कारण है कि आपकी ऐसी कैसी नीतियां हैं कि देश के इतने परसेंटेज वोट नागरिक आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये पहली बार होगा और इसलिए देश के राजनीतिक दलों के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का कारण बनने वाला है। जहां तक राइट ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है, क्या लगता है ये उसका हनन है? ये एक्सप्रेशन के लिए अवसर देता है। अभी हमने जो व्यवस्था चलती है वो तो एक्सप्रेशन का आधा रास्ते पर ही ले जाती है। पसंद करने के लिए तो एक्सप्रेशन है, नापसंद के लिए नहीं है। इसमें नापसंद के एक्सप्रेशन को अवसर है। विपक्ष का सीधे तौर पर आप पर यही आरोप है कि आपने पूरी तैयारियों के बिना जल्दबाजी में इस अमेंडमेंट को विधानसभा में पारित किया है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की सजा की अभी तक प्रावधान नहीं किया गया है। पहली बात है कि बिल पास होता है, बिल को सजा के साथ जोड़ना नहीं होता है, और सजा शब्द भी मैं समझता हूं जरा ज्यादा है। रेगुलेटरी व्यवस्था होती है, और मान लीजिए आप कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं और आपको कोई आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी आती है, इसको सजा कहेंगे क्या, क्रिमिनल एक्ट कहेंगे क्या? तो ये मैं समझता हूं बिल्कुल ही विकृत सोच है। ये कैसा होगा? सब लोग बैठेंगे, सभी दल के लोग बैठेंगे, सब अपने सुझाव देंगे कि भाई इसके लिए रेगुलेटरी व्यवस्था क्या हो। जैसे मान लीजिए इसमें तय किया जाए कि भाई आप अगर नई कार खरीदने जाते हो तो आपको पिछले चुनाव में वोट दिया था कि नहीं, उसका पर्चा दिखाओ, आपका आप खरीद सकते हो। आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हो तो आप अपने पिछले चुनाव में वोट दिया था कि नहीं दिया था, उसका पर्चा दिखाओ, आपको कार्ड मिल जाएगा। ये ऐसी रेगुलेटरी व्यवस्था है। ये इसलिए सजा शब्द शोभा नहीं देता है। इसलिए कोई कहता है कि सजा, तो ये उसकी विकृति नजर आती है। और तीसरी बात है कि हमने लोकतंत्र में आज स्थिति क्या है, लोग कहते हैं कि चुनाव में खर्चा बहुत हो रहा है। खर्चा किस चीज का होता है? आखिर मतदान के लिए तो होता है। इसके कारण चुनावी खर्चा कम हो जाएगा। चुनावी खर्चा ज्यादा होता है इसी के कारण तो लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी आता है, मुड़ीपतियों का चुनाव पर प्रभाव होता है। देश के धनपतियों को से चुनाव को मुक्त कराना है, लोकतंत्र को मुक्त कराना है, तो यही रास्ता है कि धनपतियों की कुछ नहीं चलेगी, पैसों का जोर नहीं चलेगा, मतदान सब करेंगे तो स्थितियां बदल जाएगी। काले धन का प्रभाव देश के अंदर कम होगा तो देश के अर्थतंत्र को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। इसके कारण कई बड़े बड़े लाभ होने वाले हैं देश के लोकतंत्र को। कांग्रेस का एक ये भी आरोप है कि आने वाले साल में नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं और मोदी जी उसका फायदा उठाने के लिए ये अमेंडमेंट ला रहे हैं। गुजरात में 1990 से गुजरात की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। अभी 7 असेंबली के चुनाव हुए, उसमें से 5 में बीजेपी को लोगों ने जिता दिया, और जो हम पिछले 50 साल में कभी नहीं जीते थे ऐसी जगह पे जिता दिया, और तब तो ये बिल नहीं था। मैं समझता हूं इसको चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ये लोकतंत्र को मजबूत करने का एक प्रामाणिक प्रयास के रूप में देखना चाहिए, नागरिकों की ताकत बढ़ाने के प्रयास की ओर देखना चाहिए, नागरिक केंद्रीय लोकतंत्र के निर्माण की दिशा में एक सही दिशा का सच्चा कदम, मजबूत कदम के रूप में देखना चाहिए। इटली में भी वैसे तो मैंडेटरी वोटिंग है, क्या कहेंगे कांग्रेस को? देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र, उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि दुनिया के कई देश, समृद्ध देश, पढ़े लिखे देश, जहां पर कंपलसरी वोट है, और उनको और कुछ मालूम हो या ना हो, उनको इतना तो पता होना चाहिए कि इटली में भी कंपलसरी वोटिंग है। अगर इटली का भी उनको ज्ञान नहीं है तो हम क्या करेंगे उनको लिए? विधानसभा और लोकसभा में आप क्या चाहते हैं कि इसी तरह से मैंडेटरी वोटिंग होना चाहिए, क्या विजन है? पहली बात है, भारतीय जनसंघ के जमाने से हम इसके पक्षकार रहे हैं। गुजरात ने शुरू किया है और राज्य करेंगे और दबाव बढ़ेगा, और मैं मानता हूं देश का युवा शक्ति जो है देश की संसद को मजबूर करेगी कभी न कभी इस प्रकार का कानून लाने के लिए। तो ये थे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपनी अनोखी पहल के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने एक अनोखी पहल की है। अब देखना यह है कि देश के अन्य राज्य इस पहल को फॉलो करते हैं या नहीं। इस समय गांधीनगर से कैमरामैन जितेंद्र पटेल के साथ दीक्षित सोनी।